हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने देखा होगा कि हर संडे को मैं कहीं ना कहीं जो है लाइव होता हूँ और हमारा एक सेशन चलता है भारत इंटरनेशनल ग्रुप का, मो उड़ीसा करके एक मंच है हमारा, वहाँ पे एक हमारा हर संडे को प्रोग्राम रहता है और आज वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। लेकिन पिछले 2-3 संडे से मैं प्रॉपर रूप से जो है नहीं जा पाया था बिकॉज माई वाइफ इज नॉट वेल नाउ दिस टाइम एंड, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ बिकॉज अब थोड़ी सी राहत है, थोड़ी सी तबीयत ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वहां आए और इस समय हमें इन्फॉर्मेशन की सख्त ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी जहां कहीं से भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने ऑन पैसिव के बारे में वो आप लेते रहिए क्योंकि एक एक चीज हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अभी बीच में बहुत सारे लोगों के जो है सवाल आ रहे हैं कि हमारा कब से स्टार्ट हो जाएगा, कैसे स्टार्ट हो जाएगा, पेंडिंग विड्रॉल्स कब से आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो एक्सटेंशन है वो कब जो है फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो आपको पता है कि 360 के वेबिनार में लास्ट वेडनेसडे को जो हमारे यासु फारे सर आए थे रात को 9:30 बजे, तो वहां पे उन्होंने 2-3 बातें कही थी और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बैक ऑफिस के अंदर मेंशन भी है। पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि हमारे जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो लगभग हमें कब तक मिल जाएंगे, तो आपको और हम सब लोगों को पता है कि वो पेंडिंग विड्रॉल्स अभी हमें क्यों नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास था ही नहीं, वो तो मर्चेंट ने अपने पास रख लिया था और मर्चेंट ने उसको हड़पने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वह उसको कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो पैसा इस पूरी दुनिया में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स है ना उन सबका पैसा है और सब्सक्रिप्शन जो बाय किया है उन सब लोगों का पैसा है, तो इस तरीके से इतना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए वो पैसा अब जैसे ही हमारी कंपनी के पास आ जाएगा, जी हाँ, जैसे ही कंपनी के पास आ जाएगा उसके बाद ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक एक करके हमारे पास होना शुरू हो जाएगी। मर्चेंट से पैसा कभी भी ऑन पैसिव के पास आ सकता है, कभी भी आ सकता है, जो मर्चेंट ने जो जिस तरीके से भी उसको हड़पने की कोशिश की थी उसके विपरीत हमारे एस फारे सर ने पूरी कंपनी ने मिलकर के उसके ऊपर जो है जो भी कार्रवाई की थी उस कार्रवाई में हम सब लोग पूरी तरीके से सफल हो चुके और आज पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि ये ऑन पैसिव एक साधारण कंपनी नहीं है बल्कि एक असाधारण कंपनी है। जी हाँ, बल्कि एक असाधारण कंपनी है, यूनिक है, एथिकल है, लीगल है और यहाँ पे कोई भी काम इलीगल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक उस तरीके से टेक्नोलॉजी बन रही है जो कि आने वाले टाइम के अंदर इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मर्चेंट को लेकर के भी आ रहे हैं, हमारे इसको पेंडिंग विड्रॉल्स को लेकर के भी आ रहे हैं और एक क्वेश्चन और भी आया था कि जो पहले वाला हमारा मर्चेंट था उसने हमारा जो पैसा था वो हड़पने की कोशिश की थी और अगर ये जो दूसरा वाला जो मर्चेंट है या जो भी हमारा मर्चेंट आने वाला है अगर ये फिर से अगर ऐसा निकला तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि धोखा सिर्फ किसी भी इंसान को एक बार मिल सकता है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार धोखा दे सकता है, बार बार धोखा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा की बात करें उनको धोखा एक बार मिल चुका है, अब वो कंडीशन नहीं है कि बार बार जो है उनको धोखा मिलता रहेगा और वो धोखा खाते रहेंगे, नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी एक गलत चीज में अगर आप फंस गए होंगे, गलत चीज में अगर आप पड़ गए होंगे और आप बार बार उसी रास्ते पर अगर आप चलते रहेंगे तो फिर आपसे ज्यादा आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान तो कोई नहीं होगा और उस रास्ते पर ना चल करके अगर हम कोई एक अच्छा रास्ता अपना लेते हैं तो उससे ज्यादा समझदार इंसान कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि अगर हमें भी अपनी लाइफ में अगर कहीं से धोखा मिल चुका है तो हम बार बार उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। ये जो 4-5 महीने का जो समय गया है ना, ये 4-5 महीने का समय सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट की वजह से गया है, कंपनी की तरफ से कोई भी इसमें डिले नहीं हुआ, कंपनी की तरफ से कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं था, कंपनी की कोई भी गलती नहीं थी। आप सोच रहे हैं कि एस फारे सर ने जानबूझ के ऐसा किया, नहीं, यहाँ पे इस मर्चेंट प्रोसेस की वजह से ही ऐसा हुआ। अगर वो मर्चेंट प्रोसेसर अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर वो काम करता रहता तो आज निश्चित रूप से आज हम सब लोगों के पास जो वॉलेट के अंदर जो विड्रॉल्स लगे हुए हैं ना वो सारे के सारे विड्रॉल्स आज हमारे कैश में कन्वर्ट हो गए होते और आज हम सब लोगों के पास वो पैसा मिल गया होता, लेकिन बस इसी की वजह से वो पैसा नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं, अगर ये सारी की सारी जो चीजें नहीं आती तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाती। स्ट्रांग कंपनी को स्ट्रांग बनने में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ये कोर्ट, कानून, कचहरी, ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं इन सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ
इस दुनिया के अंदर कोई एक लीगल कंपनी है जो बन रही है। तो कुल मिलाकर के इस टाइप का कोई भी अपने माइंड के अंदर जो है ख्याल मत लाओ कि पहला जो मर्चेंट था कहीं वो दूसरा भी निकल गया तो क्या होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ऑन पैसिव एथिकल एंड रियल टेक्नोलॉजी। ये एक एथिकल बिजनेस है, यह एक रियल बिजनेस है जो कि यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। अगर ये एथिकल नहीं होता, रियल नहीं होता, तो अभी भी जो आज हम इसके अंदर बने हुए हैं, आज हम इसके अंदर होते ही नहीं, ये हमें दुनिया के अंदर दिखाई ही नहीं देते। तो जल्द ही हम सब लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल्स वगैरह हैं वो सब आने वाले हैं। उसके लिए हमें प्रोसेस का वेट करना है कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, अगला प्रोसेस क्या होगा। वो हमें एसर के माध्यम से या फिर हमारे अपडेट सेक्शन के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज के माध्यम से हमें जरूर पता चल जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी से बाहर निकलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी था, ये सबसे बड़ी परेशानी थी। क्योंकि पैसे की जहां पे बात आती है वहां पे आपको पता है कि बहुत ही एक लीगल एक फॉर्मेलिटी वहां पे पूरी की जाती है। और पैसों को लेकर के अगर बात आती है तो यहाँ पे एक एक पैसा हम सब लोगों का ही है। और इसलिए अब आने वाले टाइम के अंदर कोई भी अगर मर्चेंट, जी हाँ, अगर कोई भी मर्चेंट अगर आएगा भी तो वो 10,000 बार सोचेगा। तो सबसे बड़ी परेशानी से हम बाहर आ चुके हैं, हमारी जीत हो चुकी है यहाँ पे, हम विजयी हो चुके हैं यहाँ पर। और इसलिए धोखा बार बार खाने की हमें कोई भी अब जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सो अब यहाँ पे एक चीज ये है कि नया मर्चेंट जो भी आएगा, जो भी हमारे लिए काम करेगा, जो भी ऑन पैसिव के लिए जो है लेन देन के लिए काम करेगा, यहाँ पर एक लीगल तरीके से ही उसे काम करना पड़ेगा। अब उसको भी जो है समझ में आ जाएगा कि ऑन पैसिव कैसी कंपनी है, ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव किस टाइप की टेक्नोलॉजी बन रही है, और यहाँ पे जो बिजनेस है वो किस टाइप का बन रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो जो भी एक नया मर्चेंट आएगा ना, तो वो भी अब फूंक फूंक के कदम रखेगा। अब वो तो कोई भी गलत काम करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, अगर सोचेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारा जो जो भी परेशानी थी वो उससे हम बिल्कुल शॉर्ट आउट हो चुके हैं। एक्सटेंशन को लेकर के अभी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो मे बी 10 दिन के लिए बढ़ेगा। और 10 10 दिन करके लिए जो एस मुफारिस सर ने जो बढ़ाए हैं, जो एक्सटेंशन, वो किस लिए बढ़ाए हैं, ताकि यही जो एक प्रोसेस थी जो आज हमें उसका रिजल्ट पता चला है, जैसे कि जो प्रोसेसर था वो अब हमारे पास पैसा आने वाला है, तो इसी को लेकर के 10 10 दिन बढ़ाए गए हैं। क्योंकि कुछ पता नहीं था कि ये प्रोसेसर जो है ये प्रोसेस कब खत्म हो जाए, तो फाइनली वो प्रोसेस खत्म हो चुकी है। इसलिए 10 10 दिन करके एक्सटेंशन के बढ़ाए गए थे। और आगे कितने दिन और बढ़ाया जाएगा इसके लिए हमें वेट करना है। अभी देखिए कि आपके इकोसिस्टम में जो है कौन सी कितने दिन और बचे हुए हैं। तो एक्सटेंशन को लेकर के हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। मुश्किल से हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए और भी बढ़ेगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये परमानेंट तो नहीं है, एक ना एक दिन तो इसको खत्म होना ही होना है। तो ओ वेरीफाई हो गया और हमारा पेंडिंग विड्रॉल्स हो गया। एक सवाल ये भी है कि इन दोनों में से पहले कौन सी चीज हमारे सामने आने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ओ वेरीफाई को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं होना है, ज्यादा कंसर्न नहीं करना है। और जो भी प्रोसेस होगी वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। ज्यादा हमें अपने अपने मन के अंदर ज्यादा भय नहीं पालना है, डर नहीं पालना है कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसा वेरिफिकेशन होगा। सिंपल स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे आप लोगों के लिए। और जो भी नहीं आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो विड्रॉल्स और ओ वेरीफाई में पहले कौन सा काम किया जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जो आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है पता लगा सकते हैं कि जब भी लेन देन की बात आती है, पैसे के लेन देन की बात आती है, चाहे वो कहीं से भी हो, तो सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है या पहले वेरिफिकेशन होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, इस बात को आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, तो पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी आएगा वो सब होगा एक बिजनेस के अंदर ही। वो एक एक पॉइंट, एक एक चीज हमारी बिजनेस से कनेक्टेड है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही जल्दी हमारे अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। अगर आपको भी कहीं से भी किसी भी टाइप का कोई भी धोखा मिलता है, उस रास्ते पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।